कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का मामला आज कोर्ट में जवाब दाखिल करेगा मुस्लिम पक्ष। तो देखिए लगातार मामला कोर्ट में है और उस बीच मुस्लिम पक्ष को भी अपना अब यहाँ पर जवाब दाखिल करना है। जो बड़ी जानकारी अभी तक मिल रही है, आज कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में लगातार सुनवाई जारी है और इस बीच मुस्लिम पक्ष की देखिए लगातार जिस तरीके से अपनी दलीलें रख रहा है। इस बीच पहले मंदिर पक्ष ने अपना जवाब दिया और इसके बाद अभी मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब देना होगा। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इससे पहले सोमवार को सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। सुनवाई के दौरान मंदिर पक्ष ने मस्जिद पक्ष की तरफ से लंबी दलील देने और पुरानी बातों को दोहराने पर आपत्ति जताई थी। मंगलवार को भी सुनवाई जारी रही और फिर मंदिर पक्ष की दलीलों का जवाब देते हुए मस्जिद पक्ष की एडवोकेट ने कहा कि विवादित जगह वक्फ की संपत्ति है और अब इस पूरे मामले में आज भी जवाब देना होगा मुस्लिम पक्ष को। शाही ईदगाह विवाद मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में सोमवार को सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। आज फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करना होगा। अब देखिए मंदिर पक्ष की दलीलों का जवाब देते मस्जिद पक्ष की जो एडवोकेट हैं उनकी ओर से पहले कहा गया कि जो ये कॉन्ट्रोवर्शियल जगह है ये संपत्ति वक्फ की है और इस संपत्ति विवाद का निपटारा केवल वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष ही किया जा सकता है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति होने के कारण ट्रिब्यूनल में समस्या उठा सकता है। उनका पक्षकारों ने 12 अक्टूबर 1968 को समझौता किया था। 1974 में तय सिविल मुकदमे में इसकी पुष्टि की गई, यानी समझौते की पुष्टि की गई है और इसे चुनौती देने की सीमा 3 साल की है, लेकिन मुकदमा 2020 में किया गया। मंदिर पक्ष ने इससे पहले कहा था कि समझौते में देवता कोई पक्ष नहीं थे और ना ही 1974 में पारित अदालती डिक्री में कोई पक्ष था। कथित समझौता श्री जन्म सेवा संस्थान ने किया जिसे किसी भी समझौते को करने का अधिकार ही नहीं। संस्थान का उद्देश्य केवल रोजमर्रा की गतिविधियों का प्रबंधन था। देवता नाबालिग हैं और नाबालिग के हित के खिलाफ किया गया कोई भी समझौता सही नहीं है। अच्छा, इसमें हिंदू पक्ष का दावा ट्रायल कोर्ट में दाखिल मुस्लिम पक्ष की आपत्तियां दोषपूर्ण हैं, ये दावा किया गया। साथ ही इसमें दावा यह हुआ है कि ट्रायल कोर्ट में शाही मस्जिद ईदगाह की ओर से दाखिल आपत्तियां ना तो हलफनामे में समर्थित है और ना ही उन पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर है।